सामने देख रहे हैं आप कितनी सुंदर ये बेल और ये बेलों से बना छप्पर। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आपको पता है कि मैं इन दोनों बेंगलोर में हूँ, तो मुझे जो नया देखने को मिल रहा है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये बेलों से बनाया छप्पर मंडपम उसी कॉलोनी का है जहाँ मैं रहती हूँ। और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि हम अपने घर के लॉन में इस तरह का मंडपम बना सकते हैं। हाँ, इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हम 3 पिलर का तो, 2 पिलर का तो बना ही सकते हैं। अगर हम पिलर नहीं गाड़ना चाहते, इतने मोटे नहीं गाड़ना चाहते, तो और भी अपने हिसाब से छोटे बांस गाड़ के भी बना सकते हैं। लेकिन अगर लोहे का फ्रेम बनाएंगे तो परमानेंट बहुत अच्छा बनेगा। बहुत ढंग से डिज़ाइन किया इस मंडपम को, एक लोहे का मजबूत फ्रेम बनाया गया है जिसमें जिसको हल्का गोल आकार दिया गया है। और कम से कम इसमें 7 से 8 पिलर हैं और ऊपर तो गर्डर बहुत सारे दिख ही रहे हैं। साथ में ये लटकी हुई लाइटें, यानी कि रात में लाइटें जलती हैं। नीचे से सूख कर बेल ने ऐसे बना लिया जैसे घास का छप्पर हो, ऊपर पूरी तरह हरी है। और ये एक बेल नहीं है, इसको जल्दी छप्पर बनने के लिए देखिए 2-2 फुट के अंतर पर, 1.5-1.5 फुट के अंतर पर कई बेलें लगाई गई हैं। बेलों के तने बता रहे हैं कि ये बेलें पुरानी हैं। और बेलों का सिलेक्शन इस तरह किया है कि जिन जिनका फॉलिएज ग्रोथ बहुत होती है, जो जल्दी से हरी भरी हो जाती हैं। इस मंडपम में ऐसे हर जगह मंडपम बने हैं, और उन मंडपम के सामने एक छोटा सा पार्क है, सीढ़ी लगी है, बच्चे खेलते हैं और लोग आकर इन बेंचों पर बैठते हैं। तो बहुत खूबसूरती से, बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है गार्डन के इस कॉर्नर का। देखिए, ये बेलों की कैनोपी और बेलों के मंडपम में सामने की ओर देखिए आप, ये लगी हैं बेंचेस। यह ऊपर का छप्पर एक बार फिर से देखिए कितना घना, एक बूंद पानी भी नहीं आता इसमें। और नीचे लगी हैं बेंचेस, यहाँ पेरेंट्स आके बैठते हैं और बच्चे खेलते हैं सामने गेम। हम अपने गार्डन में भी झूला लगा सकते हैं इसके नीचे। इससे इंस्पायर होके थोड़ा सा अपना कुछ डिज़ाइनिंग करके इसे छोटा एक अच्छा मंडप बना सकते हैं। इसे कॉलोनी के दूसरे दूसरे कॉर्नर में बना ये दूसरा मंडपम, ये थोड़ा सा पहले वाले से छोटा है, इसमें कम पिलर हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है पुराना। इसमें बेलें भी दूसरी हैं, तो इन्होंने चमेली भी लगाई है इसमें। तो चमेली के फूल जब खिलते हैं तो खुशबू आती है, और लाइट यहाँ भी लगी है। देखिए, अक्सर मैं शाम को देखती हूँ कि वॉकर में या बच्चों की गाड़ी में मम्मी या पापा लेकर आते हैं और बेंच पर बैठ जाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। जो बच्चे बड़े हैं वो सामने लगी सीढ़ियों पर खेलते हैं या जो वॉकर में है। ये देखिए, यहाँ भी झूला वूला सब लगा है। अलग अलग ब्लॉक में बटी है कॉलोनी, तो ऐसे 3 जगह मैंने इस तरह की ट्रेलिस देखी, छप्पर देखे, और 3 जगह ऐसी बच्चों की खेलने की सीढ़ी और पूरी व्यवस्था देखी। मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं। हालांकि ये बहुत बड़े एरिया में लगाया बनाया है, लेकिन अगर हमारे पास बड़ा सा लॉन है आगे या बालकनी भी है, तो हम पूरी बालकनी को भी ऐसे कवर कर सकते हैं। कुछ अपने मन का मिलाकर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। कैसा लगा ये मंडपम, कैसा लगा वीडियो, ज़रूर बताइए। और ऐसा ही एक वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट किया है जो पार्किंग एरिया के पाथ को बेलों से कवर किया गया है। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देखिए, आपको वो भी पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये हरा भरा मंडपम। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।